अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प इस वीडियो से होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं जा रहा हूँ भोईसर। भोईसर में एक ट्राई की मीटिंग है रिगार्डिंग कि आपके नेटवर्क के क्या क्या इश्यूज वगैरह हैं, कि तो कुछ उन लोग कस्टमर्स वगैरह को भी लेके आने वाले हैं, तो देखते हैं इस मीटिंग में क्या होता है। आपको अपडेट देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो अभी बैठ गया हूँ मैं वसई के बस में। करीब 7 साल के बाद मैं वसई के बस में बैठा हूँ। जब मैं पहले वसई वगैरह में काम करता था तो डेली अप डाउन वगैरह करता था, काफ़ी परेशानी वगैरह होती थी। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो आज ऐसा मौका आया 7 साल के बाद वसई के बस में बैठने का मौका मिला है। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी इन 7 सालों में, जो एक चीज़ इस बस की नहीं बदली वो है इसका फेयर। पहले भी 45 की टिकट मिलती थी, अब भी 45 की टिकट मिलती है। लेकिन पहले जो बस आती थी वो काफ़ी टूटी फूटी सी आती थी, लेकिन अभी जो बस आई है काफ़ी अच्छी है। इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा है, मुझे तो पहले देख के लगा ही नहीं कि मतलब वसई की बस है। तो बहुत अच्छा लग रहा है वसई के मतलब बस में बैठकर। और बहुत दिनों के बाद मैं पालघर वगैरह भी जाऊंगा। तो अभी मैं उतर चुका हूँ, साथी वाली स्टॉप है। पहले जब भी मैं थाने से इधर वसई आता तो वहीं रुक जाता था। यहाँ मेरी जो ड्राइव टेस्ट की गाड़ी होती थी वो वहाँ यहाँ मेरा इंतज़ार करती थी। तो आज भी ड्राइव टेस्ट की गाड़ी मेरी इंतज़ार कर रही है। तो अभी मेरी टीम यहाँ आने वाली है, उनके साथ हम लोग फिर रवाना होंगे पालघर के लिए। तो मैं आपको अपनी टीम दिखाता हूँ, आइए। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ दांडेकर कॉलेज में, ये पालघर में है। तो यहाँ कुछ अभी सेमिनार वगैरह रखा गया हुआ है। तो अभी तो फिलहाल मैं आया हूँ और एयरटेल का एक बंदा आया हुआ है। तो काफ़ी बंदे यहाँ मुझे दिख रहे हैं और काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आंसर वगैरह का राउंड जो होने वाला है। तो मैं आपको बताते रहता हूँ कि कौन है। अभी मेरे साथ हमारे ईटी इंजीनियर नागनाथ भी हमारे साथ में, जो मुझे अभी लेकर आए हैं। तो नागनाथ क्या लगता है तुम्हें क्या होगा यार? क्या बताऊँ, नागनाथ भी क्लू लेस है, मैं भी क्लू लेस हूँ कि आज होने क्या वाला है। तो ये मेरा पहला भी एक्सपीरियंस है लोगों से इंटरेक्ट करने का। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वगैरह हो सकती है, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। काफ़ी जो राउंड है वो होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें वगैरह होती है, क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह इनके हैं। Legal students, management students, commerce students who aspire to become senior. I'm a very rich fellow. I got lot of property. But my country is not rich. Some I had put some investigating agency. They have said you are the best fellow. You feel happy. At least somebody has told me as the best fellow. And he does not want you anything. He just develops a rapport with you. You say thank you. Then again he establishes link with you. Then in one of the mail he asks, now my country situation has become very bad. I'm running out of this country. But I don't have money. I got lot of property. I don't have money. You please give me some money. You transfer it to me. Second time again he takes. Third time switch off. Please do not do this. And now do not allow any shared apps in the sense apps which share your handset with somebody else. And at the same time if you have shared that for some reason is okay, do not
install your banking applications on such network. Again, because once you are allowing sharing of your handset and you are allowing sharing of, you are downloading some banking app, then it becomes a contract, your passwords can be used by somebody else. Please do not download apps which share your mobile with somebody, and on those same handset you have a banking application. I think I am clear in explaining. Please do not do it. This fraud business is never ending. Recently they, and one more, this one, don't call any number by giving a Google search. In the sense, suppose some complaint number. Suppose you want to call somebody, say I some call center complaint number. We normally tendencies to go to Google, and then some contact number comes, you take that number and call that number and we seek his help. Assuming that there is an authorized fraud. But it will not normally happen. If you want any contact number, go to their website and see. Don't say that complaint handling of this, like, don't give. Visit that, suppose XYZ is one company from whom your service you are taking. Don't say that contact helpline number of XYZ. Some so many numbers will give, there could be fraud. You visit that, first go to XYZ, visit that website and get that information. These are otherwise what happens, those will be fictitious names and they will do. And it has recently happened in Pune. Other one fraud which takes place is tower fraud. Tower fraud, they come to your place and they say that yours is the best building and we are from Department of Telecom, we are from Telecom Regulatory Authority of India, yours is the best site. So you give this on rent to us, and even if the land rate there is maybe 1,000 rupees per square feet, they will tell you 2,000 rupees as a rent. Even if I purchase, I get a site for that 1,000 rupees, but they will offer you 2,000 rupees. Then they will induce you with some advance. After that advance, then after that, the moment you pay advance, that such things do happen regularly. These are called as tower frauds. The TRAI Department of Telecom does not have any role in tower installation. Only telecom service providers are authorized. So if anybody comes and asks you to say that you need a land or other thing, please confirm from them. Please do not pay any money to them because you will be due. You are not going to do a lot of graphics and things like that. Why do you need a top-end Apple desktop computer? The Sada computer will do, the laptop will do. Starts with that. Make sure you buy it from a good company. Make sure you buy it from a good dealer. Make sure the warranties are in place. Make sure what is the helpline in case you land into the thing doesn't work. Make sure that that helpline is efficient. Make sure also that whatever you are buying is standard in the market. Somebody goes and buys a Diwali ka mala lagate na, wo kya naam hai usko, lights, Chinese wala. 4 days it works, you take it out, put it inside. Next year you put it on, to 50 rupees mein aur kya milega? What will you get for 50, 60 rupees? Somebody goes and, somebody once came to me, this is very amazing thing. Somebody once came to me and said, sir, I brought a brand new car. I said, very good sir, congratulations. Are kya yaar, mera sab 4 mahine ho gaye, the problem kya hai? Bolta hai, sir, aaj kal ye gaadi ki halat theek nahi hai. Mera kya hua? He says, all the parts are making noise except the horn. All the parts are making noise except the horn. जिसको आवाज करना चाहिए वो आवाज नहीं कर रहा है. और मैं उस सर्विस वाले के पास लेके गया, वो क्या बोलता है मालूम है? अरे आपके गाड़ी को हॉर्न की क्या जरूरत, 1 किलोमीटर पहले से आवाज आती है. Who's to blame? If you buy a cheap third class car which is second hand, 8 years old, 12 years old, and then you expect it to give you excellent service, who is to blame? Think, God has given us brain, except your brother, who is accepted from that God has given us brain to ultimately think. So, in all these things, now what does Consumer Guidance Society do?
consumer guidance tells you constructive consumerism, and if you should not have a problem if you do this yourself, if you have a problem, fight it yourself. There are a lot of telecom service providers sitting here. I don't know if any of them are conversant with my work. Many people write to us because of TRAI website. Our name is there. Complaints come to us directly. We don't do anything. We just forward it to them. And we have told them, whichever complaints come to us, please, for God's sake, fast track them. They do that. He is the seller. You are the buyer. Mia, Bibi, Razi, to kya karega kya? I am only a facilitator. If you come with a complaint, I will try to help you. Period. That's my job. I don't have any powers. TRAI has at least some powers to pull up telemarketing people, to pull up companies. I have no power to do anything because I am a voluntary body. But my redressal rate is better than TRAI redressal rate. Why? Because I put pressure on these guys. I tell them my social media pe lakhunga, aisa aisa problem chal raha hai, hamare paas 15 problem aaye hain. तो तुम्हारा सेल इवन 5% से गिरा तो ऐसे भी मंदी चल रही है आजकल, तो पूरी मंदी हो जाएगी तेरी, मंदी से बंदी हो जाएगी तेरी। फाइनली हमारी जो मीटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअली मोस्टली जो इसमें कंसेप्ट था वो TRAI का था। TRAI ने जो जो चीज़ें हैं, मतलब कि आप लोगों कंज्यूमर के जो राइट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेनली डिस्कस हुए। हम लोग को मतलब क्यों क्वेश्चंस वगैरह आंसर वगैरह हम लोग को करने पड़े कि क्यों डेटा वगैरह नहीं चलता है, कहाँ साइट वगैरह चाहिए इससे रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने एंड से की। बहुत सारे जो थे मैंने कि मतलब कि बहुत सारे मोमेंट्स मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा कैमरा वगैरह का रिस्ट्रिक्शन भी था। एनीवेज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मतलब आप जब भी कहीं जाएंगे ऐसा कि मतलब कि ऐसा जो सेमिनार वगैरह होते हैं, कोई आपको TRAI वाले अगर बुलाते हैं तो ऐसी चीज़ें वगैरह होती हैं, तो मेनली आपको बताने का मकसद यही था। ज़्यादा कुछ टेक्निकल था नहीं, बट अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको कि मतलब आप यहाँ जाए तो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों के साथ शेयर करें, टेलीकॉम वालों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी आगे आगे वो भी ग्रो कर सके। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।